एंड डेवलपमेंट, जिसके लिए विश्व के सर्वाधिक जीडीपी वाले पहले 7 थे, अब 15 हो गए, 16 हो गए देशों का वह संगठन था। उस ओईसीडी ने सन 2000 में एंगस मेडिसन नाम के अर्थशास्त्री को यह काम दिया कि वो विश्व का आर्थिक इतिहास लिखे, और चूंकि उनकी गणना, उनकी हिस्ट्री 0 ईस्वी से शुरू होती है, तो एंगस मेडिसन को भी काम दिया 0 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास लिख दीजिए। उस पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव बाय एंगस मेडिसन। oecd.org इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2000 वर्ष का आर्थिक इतिहास लिखा है एंगस मेडिसन ने, और वह एंगस मेडिसन कहता है कि पहले 1500 वर्ष 0 ईस्वी से लेकर के 1490 तक 99 तक सारे विश्व के जीडीपी में लगभग 2/3 66% योगदान देने वाला देश कोई था तो वो भारत देश था। मैं सोच रहा था, इतिहास का मैं विद्यार्थी हूं आपके जैसा, इतना अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा था ये 1500 से क्या संबंध है, तो पता चला वास्को दी गामा 1498 में आया था। और मतलब उसने भारत को खोजा, ऐसा हम लोग भी लिखते हैं, तो उससे पहले कोई गुम हो गया होगा। जो गुम हुआ हुआ भारत था वो विश्व को, विश्व के 2/3 जीडीपी को प्रोड्यूस करने वाला, और केवल प्रोड्यूस करने वाला नहीं, विश्व को समृद्धि का अवदान देने वाला, वितरण करने वाला। विल ड्यूरांड अमेरिकन इतिहासकार है, 11 खंडों में उसने लिखी है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। वह विल ड्यूरांड लिखता है सारे विश्व को संपदा का वितरण करने वाला कोई देश होगा तो वह देश भारत देश है। वितरण शब्द प्रयोग किया है, लेन देन नहीं, वितरण करने वाला देश। सारे दुनिया में हमारे व्यापारी जाते थे, वो वास्को दी गामा को भी, हमारे ये गुजरात का व्यापारी वास्को दी गामा ने अपनी डायरी में लिखा है, वो गुजरात का व्यापारी पानी के जहाज लेकर के उसको मिला साउथ अफ्रीका में, उसको तो भारत मिला नहीं था, इसने कहा अच्छा भारत खोज रहे हैं, चलो मैं ले चलता हूँ। उसको मसाले भरने थे, इसने वो कालीकट गया, इसने वास्को दी गामा को कालीकट ले गया, नहीं तो भरूच ले आता गुजरात में। फिर हमारे इतिहास वाले लिखते कि वास्को दी गामा भारत को खोजता खोजता भरूच पहुंच गया। वास्को दी गामा को भारत के व्यापारी कान्हा भाई ने खोजा, मिल गया, और उसको कहते हैं भारत खोजने, चल भाई मैं दिखाता हूँ, चल मेरे साथ, और साथ में ले। ये वास्को दी गामा ने अपनी डायरी में लिखा है, वो बेईमान नहीं है, उसको छिपा करके इतिहास की किताबें लिखने वाले बेईमान। वास्को दी गामा की डायरी का उद्धरण दिए बिना हमारे को गलत इतिहास पढ़ाने वाले बेईमान है। वास्को दी गामा ने तो ईमानदारी से लिखा है, उसने ये भी लिखा है कि उस कान्हा भाई के जहाज मेरे जहाजों से कई गुना अधिक प्रगत थे। 40 खेने वाले लगाने के बाद भी मेरे जहाज को उतनी गति नहीं थी जो उससे 3 गुना बड़े 3 मंजिल वाला जिसके ऊपर डेक था, ऐसे जहाज को केवल 16 नाविक खेते थे, ऐसा कान्हा भाई का जहाज था। भारत की विज्ञान और तकनीकी की स्थिति, अंग्रेज इस देश में आए तब सारे विश्व से अधिक उन्नत थी, ये अंग्रेजों में से कुछ ईमानदार इतिहासकारों ने लिख करके रखा। इसलिए जो इस गलत फहमी में है कि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो भारत में तो कोई विज्ञान ही नहीं होता, वो इस बात को समझ ले कि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो केवल भारत का ही नहीं, विश्व का विज्ञान आज है उससे अधिक प्रगत हो।